गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागतम है। और आज मोस्टली हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, जिनका आज एसएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, एसएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, उनको जीनियर नर्सिंग एकेडमी की तरफ से विश यू ए ब्राइट एंड कलरफुल फ्यूचर इन विच ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती है, और जिन स्टूडेंट का आज एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उनको ये जंग जीत के आनी है। ऑल द बेस्ट। आज कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं भी आपको ओबीजी का शेयर कर रहा हूँ, और आपको बहुत सारे डाटा हमने एसएससी फोल्डर बना के पहले ही ऑलरेडी आपको उपलब्ध करवा दिया है, और जिस स्टूडेंट ने वो डाटा अच्छे से पढ़ा है तो आप देख लेना आके उसके अंदर से आपको बेहतरीन क्वेश्चन है वो सेम के सेम मिलेंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और आज अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके बच्चे एग्जाम दे के आना है, और जो आपको आता है वो किसी को नहीं आता, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जो आपने आज तक पढ़ा है अपने आप को मोटिवेट करके जाना है। सबसे पहले अपने जो भी भगवान को मानते हो उसको पूजा करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे के आना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस जंग को 100% जीत के आएंगे। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो अभी नर्सिंग ऑफिसर में आज के आने वाले शाम के 5 बजे तक नर्सिंग ऑफिसर की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट सबको, और स्टार्ट करते हैं धमाकेदार टॉपिक के साथ, लौकिया। ओबीजी के ऑलरेडी आपको कुछ टॉपिक है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए थे बच्चे। लौकिया, जिसको लोचिया भी बोला जाता है, तो होता क्या देखते हैं। लोचिया इज द पर्प्यूरियल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड डेब्रिस म्यूकस एंड टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस। मतलब डिलीवरी के बाद जेनाइटल ट्रैक से जो डिस्चार्ज होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। इसको सिंपल भाषा में पोस्टपार्टम विजाइनल डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लोकिया डिस्चार्ज कब होता है, डिस्चार्ज ऑफ लोकिया अकर ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड। बच्चे स्टार्ट के 45 डे तक जो डिस्चार्ज होता है, बट लोकिया 15 डे तक एवरेज देखने को मिलता है। देर आर थ्री टाइप ऑफ लोकिया या लोचिया, लोकिया बेस्ड ऑन कलर। तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, और तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चे। ये भी टाइप है और इम्पोर्टेंट है, लोकिया रूब्रा, ठीक है। लोकिया करंटा जिसको अपने बोलते हैं, इज द रेड कलर पोस्टपार्टम विजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 4 डे। बच्चे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लोचिया अपने बोल सकते हैं इसको, लोकिया लोचिया, तो लोचिया है उसका पूछा जाता है कि फर्स्ट 4 डे जो डिस्चार्ज होता है वो कौन से टाइप का होता है। तो लोचिया रूब्रा या लोचिया करंटा आपको बोलना है, और किस टाइप का डिस्चार्ज होता है ये भी नोट कर लेना बच्चे, रेड कलर का डिस्चार्ज होता है। कौन से कलर का डिस्चार्ज होता है, रेड कलर का डिस्चार्ज होता है, उसको लोचिया रूब्रा के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन है बच्चे यहाँ पे लोचिया सिरोसा, थिन वाटरी या येलो और पेल ब्राउन और पिंक कलर पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज बिटवीन 5 to 9 डे। और ये भी कुछ पूछा जाता है बच्चे, थिन वाटरी है येलो और पेल या ब्राउन कलर का या पिंक कलर का जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको बोलना है लोचिया सिरोसा, 5 to 9 डे के ऊपर यहाँ पे सिक्रीशन है वो डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसके अलावा लोचिया एल्बा, जिसको अपने लोचिया पुरुलेंटा के नाम से भी जानते हैं बच्चे, पेल वाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज बिटवीन 10 to 15 डे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 10 to 15 डे के ऊपर कौन सा होता है, लोचिया एल्बा जिसके अंदर वाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लोचिया सिरोसा जिसमें येलो पेल ब्राउन और पिंक कलर का विजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है उसको लोचिया सिरोसा, और रेड कलर का जिसके अंदर देखने को मिलता है लोचिया रूब्रा। एक्सेप्ट बेस का भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लोचिया, ए आपको ऑप्शन मिलेगा लोचिया रूब्रा,
बी मिल जाएगा लोचिया सिरोसा, सी मिल जाएगा एल्बा और डी अपनी मर्जी से डाल सकता है ऑप्शन। इसके अलावा बच्चे यहाँ से देखें तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ टोटल लोचिया लगभग 400 अम्बल है वो लोचिया के अंदर डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली अमोंग दीज 250 अम्बल लॉस्ट इन फर्स्ट 5 to 6 डे, 400 अम्बल लोचिया के अंदर डिस्चार्ज देखने को मिलता है जिनमें से स्टार्टिंग के 5 से 6 दिन है उसके अंदर 250 अम्बल है उससे ज्यादा है वो लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है पॉलीमिनोरिया। पॉलीमिनोरिया काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीमिनोरिया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अक्का रेगुलरली बट इट इंटरवल ऑफ लेस देन 21 डे। मतलब है पॉलीमिनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो होती है, रेगुलरली होती है, बस 21 दिन से पहले यहाँ पे ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है। मतलब हर 20वें दिन ब्लीडिंग हो जाए या 19 डे के बाद ब्लीडिंग हो जाना, 18 डे के बाद ब्लीडिंग हो जाना, जिसको पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। इसके अलावा इफ इट अकर एक्सेसिव और प्रोलंग्ड ब्लीडिंग, मतलब 20 दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है और उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एपीमिनोरिया के नाम से जानेंगे, जिसके अंदर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बच्चे ओलिगोमिनोरिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब है स्कांटी और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब स्कांटी और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिले जिसके अंदर ब्लीडिंग है बहुत कम देखने को मिलती है उसको अपने ओलिगोमिनोरिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे मेट्रोजिया, मेट्रोजिया के अंदर देखें तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो इस लैंग्वेज में आता है, ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेस मे बी एसोसिएटेड विद आइदर बेंजाइन और मेलिग्नेंट कंडीशन, मतलब 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो नेक्स्ट आपको पता है 28 या 29 के अराउंड आना चाहिए, अगर 10 दिन बाद ब्लीडिंग हो रही है, 15 दिन बाद ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ही, तो वो किससे रिलेटेड है बच्चे, हो सकता है उसके बेंजाइन को यूट्राइन कैंसर हो या मेलिग्नेंट कैंसर हो, तो मेट्रोहेजिया के नाम से जिसको अपने जानते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्वेश्चन है ब्रेस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहला ब्रेस्ट आर द लार्ज मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, भी स्वेट ग्लैंड का टाइप ही होता है बच्चे एपोक्राइन, ठीक है, तो पूछा जाता है ब्रेस्ट वो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होता है, तो आपको याद रखना है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होता है, विच लैक्टेशन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा बच्चे बोथ निप्पल एंड एरियोला कंटेन स्मॉल स्वेट ग्लैंड नोन एज मोंटगोमेरी ग्लैंड विच सिक्रीट ए प्रोटेक्टिव ऑयल सब्सटेंस विच लुब्रिकेट द निप्पल ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो यहाँ पे मोंटगोमेरी ग्लैंड देखा जाता है, देखे बच्चे इस तरह से ब्रश के ऊपर ही आपको छोटी छोटी ग्लैंड जो दिख रही है, ये क्या है बच्चे, ये एरिया है वो एरोला, जो एरिया दिख रहा है वो आपका कौन सा एरिया है बच्चे, एरियोला है, ठीक है, और इसके ऊपर जो ग्लैंड्स दिख रही है उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, इसको अपने रिजिड मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स के नाम से जानते हैं या मोंटगोमेरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये डिलीवरी के बाद देखें तो लैक्टेशन जो पीरियड होता है उसके अंदर ये काफ़ी इनलार्ज हो जाती है और क्या करती है, निप्पल को लुब्रिकेट करती है, जब बच्चा क्या करता है बार बार सकिंग करता है तो यहाँ पे क्रैकिंग निप्पल से प्रिवेंट करने का इन ग्लैंड का नॉर्मली क्या होता है, काम होता है। इसके अलावा बच्चे यहां से भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वन मैं आपको बता देता हूं बच्चे मीनार्की, मीनार्की क्या होता है बच्चे, अगर बात की जाए फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपने क्या बोलते हैं, मीनार्की। और यहां पे क्वेश्चन और आया है, बिगनिंग ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेस्ट बर्ड्स दैट इज कॉल्ड थेलार्की विच आर द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी दैट टिपिकली अकर बाय द अबाउट 13 ईयर। 13 ईयर के ऊपर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है बच्चे, थेलार्की कहलाता है। और फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी किसको बोला जाता है, थेलार्की को बोला जाता है। और मीनार्की दैट इज द लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, बच्चे क्या बोलते हैं इसको, लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं, लेट साइन ऑफ प्यूबर्टी जिसको अपने क्या बोलेंगे, मीनार्की। इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर बच्चे कुछ सेल पाई जाती है जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है और इस सेल का नाम है एसिनी सेल,
ठीक है बच्चे, एसिनी सेल दैट इज कॉल्ड फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट किसको बोला जाता है, एसिनी सेल ब्रेस्ट में पाई जाती है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस में मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सिक्रीशन से रिलेटेड आपसे अगर पूछ ले, मिल्क प्रोडक्शन या आपसे ये पूछ ले बच्चे कि मिल्क सिक्रीशन के लिए, या पूछ ले मिल्क सिक्रीशन के लिए विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, तो आपको यहां पे क्या बोलना है बच्चे, आपको बोलना है प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से सिक्रीट होता है? एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले मिल्क इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क इजेकुलेशन के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपको याद रख लेना बच्चे ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द, कहां से सिक्रीट होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जहां पे ये स्टोर होता है वहां से रिलीज किया जाता है जैसे जैसे मिल्क इजेकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बच्चे आगे थोड़ा सा अपने आगे और बढ़े हैं तो आपको देखने को मिलेगा पेल्विस। पेल्विस वैसे चार टाइप की पेल्विस पढ़ते हैं बट यहाँ पे टाइम का अभाव होते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विस है उसके ऊपर ही मैं डिस्कशन करना जा रहा हूँ। गायनेकोइड पेल्विस है, 50% पेल्विस यही देखने को मिलती है और नॉर्मल ट्रू फीमेल पेल्विस यही मानी जाती है। मोस्ट कॉमन है पेल्विस, अगर बात की जाए मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर लेबर पूछा जाता है आपसे तो आपका आंसर जाएगा बच्चे गायनेकोइड। गायनेकोइड क्या जाएगा? गायनेकोइड पेल्विस जाएगा। इसकी शेप या ब्रीम पूछा जाता है तो राउंड शेप का होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। और इट इज फाउंड इन वुमेन एवरेज बल्ट और हाइट, जिनकी नॉर्मल हाइट होती है 5 और 5.5 के राउंड, उसके अंदर इस टाइप की पेल्विस है वो देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, और ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट वन जो ये क्या है? गायनेकोइड। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि हार्ड शेप पेल्विस कौन सी होती है बच्चे, तो एंड्रॉइड या मस्कुलिन पेल्विस है जिसका शेप देख के तो यहाँ पे कौन सी होती है बच्चे, हार्ड शेप होती है जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है ऊपर है एंड्रॉइड। इसके अलावा बच्चे अपने आगे देखें फोंटेनेल के ऊपर बात करते हैं अपने, एंट्रियर फोंटेनेल, एंट्रियर फोंटेनेल जिनको ब्रेगमा बोला जाता है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट डाटा डिलीवर कर रहा हूं मैं। एंट्रियर फोंटेनेल जिसको ब्रेगमा बोला जाता है, एल्सो नोन एज ब्रेगमेटिक फोंटेनेल्स या फ्रंटल फोंटेनेल और लार्जेस्ट फोंटेनेल, फोंटेनेल काफी सारे होते हैं बट सबसे लार्जेस्ट फोंटेनेल पूछिए आपसे तो आपका आंसर जाएगा एंट्रियर फोंटेनेल। और इसकी शेप भी पूछी जाती है बच्चे, एंट्रिया फोंटेनेल की जो शेप होती है डायमंड शेप या काइट शेप का होता है, ओसीपाइड क्लोज कब होता है, तो एवरेज रेंज में पूछे 12-18 मंथ पे क्लोज होता है और नॉर्मली पूछे तो 18 मंथ पे जाके क्या होता है ये क्लोज होता है। डायमीटर देखे इसका बिलो 3 सेंटीमीटर रहता है। और बल्गिंग फोंटेनेल का मतलब ये उभरा हुआ एंट्रिया फोंटेनेल कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइड्रोसिपलस में, जो कि कंप्लीट एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। और सनकेन या डिप्रेस फोंटेनेल्स है, एंट्रिया फोंटेनेल है वो सनकेन या डिप्रेस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है बच्चे, अंदर की तरफ है दशा हुआ था है डिहाइड्रेशन, डायरिया और वॉमिटिंग के अंदर। और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर बच्चे ये कौन सा फोंटेनेल्स है, एंट्रियर फोंटेनेल्स है। और बैक साइड में जो दिख रहा है आपको ये कौन सा फोंटेनेल है बच्चे, पोस्टीरियर फोंटेनेल है। कौन सा फोंटेनेल है? पोस्टीरियर फोंटेनेल है। इसके अलावा बच्चे देखें पोस्टीरियर फोंटेनेल से, तो पोस्टीरियर फोंटेनेल में देखें इट इज फॉर्म बाय जंक्शन ऑफ द सूचर लाइन सेजाइटल सूचर एंट्रियली, एंट्रियली अगर देखें बच्चे यहाँ पे सेजाइटल सूचर है और लैम्डा सूचर है आइदर साइड, आइदर साइड यहाँ पे क्या रहेगा, ये साइट है वो लैम्डा है और ये कौन सा है सेजाइटल सूचर है। और ये कौन सा बन रहा है बच्चे, आपको याद रख लेना है ये जो सूचर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पोस्टीरियर। ये कौन सा है बच्चे, सेजाइटल। और यहाँ पे जो साइड में जो लाइन खींच रहा हूँ ये कौन सी है बच्चे, ये लैम्डा सूचर है। कौन सा सूचर है? लैम्डा सूचर है बच्चे। ठीक है, शेप पूछी जाती है क्या होती है पोस्टीरियर फोंटेनेल की शेप, तो आपको याद रखना है ट्राइएंगुलर होती है। ओसीपाइड क्लोज कब होता है, तो ओसीपाइड के ऊपर बात की जाए 1.6-2 मंथ के ऊपर है और एवरेज अगर पोस्टीरियर का पूछे बच्चे तो 45 डे होता है। इसके अलावा आपको बता बच्चे ओवम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है बच्चे, ओवम क्या होता है, लार्जेस्ट सेल्स होती है। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल्स मानी जाती है,
लार्जेस्ट सेल अपने इसको बोलते हैं। दूसरा ओवम के बारे में, ओवम का लाइफ स्पान पूछा जाता है बच्चे, लाइफ स्पान क्या होता है ओवम का, तो आपको ये भी बताया हुआ 12 से 24 घंटे इसका लाइफ स्पान होता है, ठीक है। और ओवम, जो ओवम होता है इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चे, गिव न्यूट्रिशन टू ओवम पूछा जाता है। तो कॉर्ना रेडिएटा आउटर लेयर कवर्ड विद ग्रेन्यूलर सेल दैट इज नोन एज कॉर्ना रेडिएटा। ये दिख रहा है बच्चे आपको बाहर की साइड में जो ये लेयर दिख रही है, इसको अपने किस नाम से जानते हैं, कॉर्ना रेडिएटा। ये आपको इस टाइप से जो आपको लेयर दिख रही है बच्चे, ये है क्या, ये है बच्चे कॉर्ना रेडिएटा, ठीक है। और कॉर्ना रेडिएटा इसके नीचे क्या होती है, जोन्ना पेलिसुटा भी होती है बच्चे, बीच में इनके स्पेस होता है, ठीक है। एक विटेलिन मेम्ब्रेन भी होती है, वो काफ़ी सारे अपने थ्योरी में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कौन सी लेयर्स होती है जो ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो आपका आंसर यहाँ पे जाता है कॉर्ना रेडिएटा बच्चे, याद रख लेना बच्चे। डायमीटर भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है बच्चे 60 to 75 डे रिक्वायर फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ का मतलब मेच्योर स्पर्म बनने कितना टाइम लगता है, 65 से 75 दिन का टाइम है वो लगता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है बच्चे, ऑलमोस्ट फर्टिलाइजेशन अक्कर इन एम्पूल ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ भी पूछ ले बच्चे 10 सेंटीमीटर होती है, और फ्लोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट के अंदर है, एम्पुला पार्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ओवम प्लस सप्रम का फ्यूजन होना, दोनों का आपस में मिलना, और इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, जायगोट बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। और जायगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, तो पैग सेल होती है बच्चे, पैग सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है। इसके अलावा देखें बच्चे फर्टिलाइजेशन के अंदर लाइफ स्पान पूछा जाता है ओवम का, तो ऑलरेडी आपको बता दिया था 12 से 24 आवर होता है। सप्रम का लाइफ स्पान पूछे बच्चे 48 से 72 घंटे होते हैं। इम्प्लांटेशन के ऊपर बात की जाए, इम्प्लांटेशन हमेशा यूट्रस में होता है, और यूट्रस में कहाँ पे होता है, कौन सी साइट पे होता है, मोस्ट कॉमन कौन सी साइट होती है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। साइट इज यूट्राइन एंडोथेलियम एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी नियर फंडस। यूट्रस के अंदर बात की जाए बच्चे तो ये फंडस पार्ट होता है, और इस तरह से यूट्रस की शेप होती है, क्या होती है, इस तरह से यूट्रस की शेप होती है, इस तरह से आगे विजयना होती है, और साइड में क्या होता है बच्चे, इस तरह से फ्लोपियन ट्यूब होती है, और यहाँ पे ओवेरी होती है, वन साइड से बना है। जो ऊपर वाला ये पोर्शन दिख रहा है ये फंडस पार्ट है, फंडस पार्ट है अपने इसको बोल सकते हैं, कौन सा पार्ट है, फंडस पार्ट है। और फंडस पार्ट के अंदर है मोस्टली क्या होता है, जो जायगोट होता है वो इम्प्लांट होता है। तो आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की एक आगे वाली वॉल है ये, एंटीरियर और बैक वाली वॉल है वो पोस्टीरियर। तो इम्प्लांटेशन जायगोट का कहाँ पे होता है, तो आपसे पूछ ले तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, और कौन सी साइड में बच्चे, एंट्रियर या पोस्टीरियर, पोस्टीरियर अपर साइड में। इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब हो जाता है बच्चे, सिक्स डे मतलब 20 से 21वें मेंशन डे पे, अगर मान लो 14 डे पे ओवुलेशन होता है, 14 डे पे क्या होता है बच्चे, ओवुलेशन होता है। अगर 12 से 16 दिन के बीच में इंटरकोर्स किया जाए तो उस कंडीशन में 14 डे पे ओवम और सप्रम अगर फ्यूजन होता है विदाउट प्रोटेक्शन, अगर इंटरकोर्स किया गया है तो फ्यूजन होता है, उस कंडीशन में 20 से 21 दिन के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट कब होता है बच्चे, 10 से 11वें दिन पे स्टार्ट कब होता है, 6ठे दिन के ऊपर। और इसके अलावा कंप्लीट कब होता है इम्प्लांटेशन, 10 से 11वें दिन के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन आता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, यहाँ पे ड्रॉप लाइक ब्लीडिंग देखने को मिलती है बच्चे, इस तरह से ड्रॉप बाई ब्लीडिंग थोड़ी सी देखने को मिलती है, वो कब होती है, जब इम्प्लांटेशन होता है, उसको हार्टमैन साइन बोलते हैं बच्चे। ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इन यूट्रस इज कॉल्ड हार्टमैन साइन, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन बच्चे। इसके अलावा बात करें फिटल मेम्ब्रेन की बच्चे, तो डबल मेम्ब्रेन बच्चे में सुपरफिशियल और डीपली दोनों एंगल पे जा रहा हूँ, बट यहाँ पे टाइम के अभाव में आपको मोटा मोटा मैं डाटा देने की कोशिश करता हूँ, पूरी डिटेल में विद इमेज अपने क्या चलते हैं, थ्योरी क्लास में चलते हैं।
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड इट प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दैट इज नोन एज ए फिटल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिटल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कोरियन बोला जाता है, और पूछा जाता है फिटल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है, एमनियन बोला जाता है, और दोनों क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। थिकनेस भी अगर पूछ ले इसकी बच्चे तो 0.022 0.5 mm क्या होती है फिटल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। इसके अलावा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट एग्जाम के अंदर है देखने को मिला है। तो प्लेसेंटा में देखें बच्चे तो शेप पूछे ओवल एंड डिस्कोइड स्पंजी स्ट्रक्चर इन द यूट्रस फ्रॉम विच फिटस ड्राइव इट्स न्यूरिशमेंट एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे प्लेसेंटा वाला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि शेप का होता है ओवल एंड डिस्कोइड शेप का होता है, जो फिटस होता है यूट्रस के अंदर उसको न्यूरिशमेंट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम फ्यूजन ऑफ कोरियोनिक फ्रंडसम एंड डेसीडुआ बेसिलिस। ये दोनों कोरियोनिक फ्रंडसम और डेसीडुआ बेसिलिस है बच्चे, यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी विद पिक आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट है। डेसीडुआ बेसिलिस दैट इज द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का ही पार्ट है प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होता है। डेसीडुआ बेसिलिस और कोरोनिक फंडरसम से क्या होता है बच्चे, हमेशा प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। अभी हाल के अंदर इतना याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट कब हो जाता है, 6 वीक पे स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब होता है बच्चे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है, 12 वीक के ऊपर कंप्लीट होता है, जो कि कंप्लीट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। इसके अलावा बच्चे यहां से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शेप देखें बच्चे प्लेसेंटा की एट ट्रम, ट्रम का मतलब जब डिलीवरी होने वाली है, सर्कुलर डिस्क लाइक शेप होती है। प्लेसेंटा का डायमीटर भी पूछे 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस पूछे बच्चे 3 सेंटीमीटर एट सेंटर देखने को मिलती है, और वेट भी प्लेसेंटा का कई बार आ चुका है जिसका अगर बात करें तो 500 ग्राम वेट होता है। इसके अलावा बच्चे अगर बात की जाए वुमन प्लेसेंटा में कितनी स्टीम विलाई पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, 60 स्टीम विलाई होती है। और स्टीम विलाई होती क्या बच्चे, विलाई आर द फंक्शन यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा बिकॉज विलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज बिटवीन मेटरनल एंड ब्लड फिटल ब्लड। मेटरनल और फिटल ब्लड को आपस में एक्सचेंज करने का जो काम होता है वो क्या होता है बच्चे, स्टीम विलाई का ही होता है और ये प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बच्चे आपसे पूछा जाता है कि अम्लाइकल आर्टरी होती है, आपको बताया जब अपने अम्लाइकल कोड पढ़ते हैं, अम्लाइकल कोड पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, अम्लाइकल कोड पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखा था वन वेन होती है, वन अम्लाइकल वेन होती है और टू क्या होती है अम्लाइकल आर्टरी होती है। ये बात आपने बहुत बार पढ़ी और क्वेश्चन भी आता है, लेकिन पूछा जाता है 2 अम्लाइकल आर्टरी होती है, वो ब्लड कितना कैरी करती है, 400 ml/min के हिसाब से ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। इसके अलावा बच्चे प्लेसेंटल बैरियर की थिकनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में आया हुआ है, थिकनेस ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटल बैरियर कितनी होती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे बच्चे 0.025 mm यहाँ पे क्या मानी जाती है थिकनेस है, वो नॉर्मली यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपके प्लेसेंटा से जो निकलने वाले क्वेश्चन थे, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको मैं डिलीवर कर चुका हूँ बच्चे। एमनियोटिक फ्लूड से भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है बच्चे। ऑलरेडी मैंने इनकी PDF है वो आपको शेयर की हुई है, जो काफ़ी मेहनत करके डाटा है वो हमने परचेज बच्चों को उपलब्ध करवाया है, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे परचेज भी किया है, और जिन बच्चों ने किया है तो उनका शानदार कंटेंट के साथ तैयारी देखने को मिली है। एमनियोटिक फ्लूड, क्लियर फ्लूड दैट सराउंड द फिटस इन एमनियोटिक सेक, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड की बात कीजिए तो ये क्लियर फ्लूड होता है जो सराउंड करता है फिटस को एमनियोटिक सेक के अंदर, क्या करता है एमनियोटिक सेक के अंदर क्या करता है, सराउंड करता है। इसके अलावा क्लियर फ्लूड है किसको सराउंड करता है बच्चे, फिटस को करता है, इसको याद रख लेना।
एमनियोटिक फ्लूड कंटेन, यहाँ पे वाटर पूछा जाता है बच्चे, एमनियोटिक फ्लूड में वाटर कितना होता है, बड़ा ही शानदार रोचक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। एमनियोटिक फ्लूड के अंदर बच्चे 98 to 99% वाटर होता है, 1 to 2% सॉलिड होता है, और सॉलिड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड यूरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा देखे बच्चे यहाँ पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, तो यहाँ पे एल्केलाइन इन नेचर, देखें पीएच होती है 7.2 टू 7.8 होती है बच्चे, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 यहाँ पे देखने को मिलती है, और फ्लूड देखें क्लियर फ्लूड होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। आपसे पूछ ले अर्ली प्रेगनेंसी में फ्लूड किस टाइप का होता है तो आपको बताना है क्लियर फ्लूड होता है। मिड प्रेगनेंसी में पूछ ले एमनियोटिक फ्लूड का कलर क्या होता है बच्चे, येलो होता है, ठीक है। इसके अलावा लेट प्रेगनेंसी में पूछ ले आपसे कलर एमनियोटिक फ्लूड का तो कलर लेस होता है विद टर्बिडिटी ड्यू टू वर्निकेसियोसा, और वर्निकेसियोसा भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, इट इज ए वैक्सी और चीज लाइक व्हाइट सबस्टेंट फाउंड ऑन स्किन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी के स्किन के ऊपर क्या होता है बच्चे, व्हाइट चीजी एक लेयर पाई जाती है जिसको अपने वर्निकेसियोसा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूड की वैल्यू भी अगर आपसे पूछी जाए, एमनियोटिक फ्लूड की अगर वैल्यू भी आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है 12 वीक के ऊपर 50 एमएल देखने को मिलता है, 20 वीक के ऊपर 400 एमएल, और 36 टू 38 वीक के ऊपर 800 से 1000 एमएल, और एट ट्रम ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा हुआ है, ट्रम के ऊपर कितना होता है बच्चे 600 से 800 एमएल होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली देखने को मिलता है कंप्लीट एग्जाम के अंदर बच्चे, अब नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड, अगर एमनियोटिक फ्लूड का कलर ग्रीन कलर का आ रहा है इसका मतलब क्या है, ड्यू टू मिकोनियम स्टेनिंग इंडिकेट फिटल डिस्ट्रेस, फिटल डिस्ट्रेस कर रहा है, अगर एमनियोटिक फ्लूड का कलर ग्रीन कलर का आ रहा है इसका मतलब है बच्चे ने मिकोनियम पास आउट कर दिया है, और मिकोनियम क्या होता है बच्चे, बच्चे का जो फर्स्ट टूल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे गोल्डन कलर का अगर है एमनियोटिक फ्लूड का कलर है तो इसका मतलब आरएच इनकॉम्पेबिलिटी से यहाँ पे सफर कर रहा है बच्चे है। इसके अलावा ग्रीनिश येलो या सैप्रोन कलर का एमनियोटिक फ्लूड है इसका मतलब है जो अंदर बच्चा है वो पोस्ट मैच्योरिटी को पार कर गया है, 42 वीक से अबो का है। डार्क कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूड यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है इंडिकेट कंसिलेट हैमरेज, अंदर की साइड में हैमरेज हुआ है। और डार्क ब्राउन कलर का है, टोबैको कलर का है, इसका मतलब है आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डेथ है, वो बच्चे अंदर फिटस की हो चुकी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चे। इसके अलावा फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट हो जाता है तो आपको याद रखना है बच्चे, स्टार्ट आफ्टर 21 to 22 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है फर्टिलाइजेशन के 21 से 22 दिन के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड कब बोला जाता है, जब स्टार्ट के 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन के बाद स्टार्ट के, जिसको जायगोट बोलते हैं, और जायगोट का जो 2 वीक तक का टाइम पीरियड होता है उसको अपने प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं बच्चे। और एम्ब्रियोनिक पीरियड का मतलब है यहाँ पे बच्चे अंदर जो कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है, जायगोट है, जिसका टाइम पीरियड 3 वीक से 8 वीक तक का टाइम पीरियड होता है आफ्टर कंसेप्शन, उसको एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे डाटा, रिपीटेड है। और फिटल पीरियड किसको बोला जाता है, 9 वीक से लेकर बर्थ तक का टाइम पीरियड होता है उसको फिटल पीरियड बोलते हैं। इसके अलावा याद रख लेना बच्चे, एवरी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रिजेंबल एट ह्यूमन एम्ब्रियो, कब देखने को मिलता है, वी ऑर्गन जैसे कि एम्ब्रियो उसके अंदर ऐसा लग जाए कि ये ह्यूमन टाइप का दिख रहा हो, जितने भी ऑर्गन्स है वो बनाएगा ह्यूमन की तरह बनाएगा 8 वीक पे। 2 किडनी बिगिन टू फॉर्म यूरिन, 12 वीक के ऊपर किडनी अब क्या करती है बच्चे, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। और हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय डोपलर ट्रांसड्यूसर बिटवीन 10 to 12 वीक, डोपलर ट्रांसड्यूसर से 10 से 12 वीक के ऊपर अपने हार्ट बीट है वो सुन सकते हैं। और सेक्स इज विजुअली रिकॉग्नाइजेबल एट 12 वीक के ऊपर सेक्स को भी अपने रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन
सीक्रेशन स्टार्ट 12 वीक के ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करने लग जाती है, इसलिए थायराइड ग्लैंड को अपने फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड बोलते हैं। इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर यूट्रस में सबसे पहले बनने वाली ग्लैंड कौन सी होती है बच्चे? थायराइड ग्लैंड होती है, जो 12 वीक के ऊपर T4 थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है बच्चे। इसके अलावा फर्स्ट एम्ब्रियोनिक बोन किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है बच्चे, क्लेविकल बोन्स होती है जो सबसे पहले बनती है, इसलिए फर्स्ट एम्ब्रियोनिक बोन इसको बोला जाता है। क्यूकनिक का मतलब होता है कि यहाँ पे मदर को बच्चे की मूवमेंट का फील होना, बच्चे की मूवमेंट का सुनना क्या कहलाता है? क्यूकनिक कहलाता है। जो नॉर्मली 16 से 20 वीक के ऊपर मदर को फील होता है कि बच्चा अंदर की तरफ किकिंग कर रहा है, बच्चा अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे अगर प्राइमा और मल्टी ग्रेविडा पूछ ले आपसे तो आपको याद रखना है बच्चे 16 वीक के ऊपर क्यूकनिंग वो मल्टी ग्रेविडा में सुनाई देती है, और प्राइमा ग्रेविडा पूछे तो 18 वीक पे। अगर रेंज में आपसे पूछा जाए तो 16 से 20 वीक याद रखना है क्यूकनिंग बच्चे। इसके अलावा हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाई रेगुलर फिटोस्कोप या स्टेथोस्कोप है। बच्चे डोपलर ट्रांसड्यूसर से पूछे तो आपको बताया था 12 वीक के राउंड, यहाँ पे 12 वीक के राउंड, यहाँ पे 10 से 12 वीक के ऊपर है डोपलर ट्रांसड्यूसर से यहाँ पे हार्ट रेट है वो सुन सकते हैं। बट अगर आपसे पूछे फिटोस्कोप है या स्टेथोस्कोप से तो आपको याद रख लेना बच्चे 20 वीक पे सुनाई देती है। और फिटल हैज एबिलिटी टू हियर, बच्चा माँ के पेट में कब सुनना स्टार्ट कर देता है? एबिलिटी टू हियर 24 वीक के ऊपर बच्चा यूट्रस के अंदर सुनना स्टार्ट कर देता है बच्चे। इसके अलावा एलएस लेसिथिन स्पिगोमाइलिन रेशो के ऊपर बात की जाए बच्चे तो क्या रहता है, अगर रेशो 2:1 आ रहा है इट इंडिकेट यूज टू असेस मेच्योरिटी ऑफ लंग्स, ठीक है बच्चे। 36 वीक के ऊपर स्विगोमाइलिन रेशो अगर 2:1 आ रहा है बच्चे, इसका मतलब लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर है, और यहाँ पे बच्चा वो अच्छे से रेस्पिरेशन है वो मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा बच्चे देखे अम्लाइकल कॉर्ड या फुनिश जिसको अपने बोलते हैं, बिगनिंग अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन 4 ब्लड वेसल 2 आर्टरी एंड 2 वेन, बट एट 4 मंथ राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर। बच्चे बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन गया है कि स्टार्ट के अंदर है अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी एंड 2 वेन होती है, बट 4 मंथ के ऊपर कौन सी अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है? तो आपका आंसर जाएगा बच्चे राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है। आपसे पूछ सकता है 5 मंथ के ऊपर कौन सी अम्लाइकल वेन प्रेजेंट होती है, तो लेफ्ट अम्लाइकल वेन प्रेजेंट होती है। सो आफ्टर 4 मंथ अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन 3 ब्लड वेसल जिसके अंदर 2 अम्लाइकल आर्टरी और 1 अम्लाइकल वेन होती है, और कौन सी अम्लाइकल वेन है? लेफ्ट अम्लाइकल वेन होती है बच्चे। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा डिलीवर कर रहा हूं। इसके अलावा बच्चे बेटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है? बेटल डोर प्लेसेंटा का मतलब नॉर्मली याद रखना, जो प्लेसेंटा होता है ये प्लेसेंटा है, और अम्लाइकल कॉर्ड जो निकलती है जिसके अंदर अम्लाइकल आर्टरी और वेन होती है वो हमेशा प्लेसेंटा के सेंटर से निकलती है। अम्लाइकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा के कहां से निकलती है? हमेशा सेंटर से निकलती है, बट बेटल डोर प्लेसेंटा के अंदर अम्लाइकल कॉर्ड सेंटर से इंसर्ट ना होके यहां पे साइड में इंसर्ट होती है, सेंटर से में इंसर्ट ना होके साइड में होती है, उसको अपने बेटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं बच्चे। कॉर्ड इज अटैच्ड टू एज ऑफ प्लेसेंटा इंस्टिंक्ट ऑफ सेंटर, ये कह रहा है सेंटर की तरफ इंसर्ट ना होके एज ऑफ प्लेसेंटा की यहां पे इंसर्ट होनी चाहिए थी, बट यहां पे इंसर्ट ना होके एज ऑफ प्लेसेंटा से क्या निकल रही है? अम्लाइकल कॉर्ड निकल रही है या इंसर्ट हो रही है, उसको बेटल डोर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे फिटल सर्कुलेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो फुर्सत की घड़ी में बनेगा बच्चे। अभी एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पे बड़े बड़े एग्जाम ओवर व्यू के हिसाब से जो क्वेश्चन आता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डक्टर आर्टरियोसिस इसका मतलब होता है बच्चे कनेक्ट पल्मरी आर्टरी विद अरोटा बाईपास द लंग्स, क्योंकि बच्चे इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर जो अंदर फीटस होता है उसका लंग्स होता है वो काम नहीं करता है, लंग्स को उतना ही ब्लड सप्लाई जाता है जितना उसको जिंदा या सर्वाइव करने के लिए या उसके मेच्यूरेशन के लिए चाहिए,
ठीक है, तो वहां पे लंग्स से बाईपास करने के लिए पल्मरी आर्टरी होती है, वो डिसेंडिंग रोटा के साथ कंबाइंड हो जाती है, उसको डक्ट आर्टरियोसिस बोलते हैं बच्चे। डक्टस वेनोसिस का मतलब है यहाँ पे अम्लाइकल वेन्स होती है, वो इनफीरियर वेना केवा के साथ कंबाइंड होती है। बात मैं कर रहा हूँ बच्चे इंट्रा यूट्राइन लाइफ की, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, बात कर रहा हूँ इंट्रा यूट्राइन लाइफ की। जब पल्मरी आर्टरी, आपको पता है पल्मरी आर्टरी होती है अडल्ट जो लंग सर्कुलेशन होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये अपवाद है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मरी आर्टरी आता है। बट इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर ध्यान रखना, लंग्स को बाईपास करने के लिए यहां पे पल्मरी आर्टरी होती है, वो डिसेंडिंग रोटा के साथ एक कॉम्बिनेशन बना लेती है, एक संगम बना लेती है, जिसको डॉक्टर्स आर्टरियोसिस बोलते हैं। और डॉक्टर आर्टरियोसिस होता है बच्चे डिलीवरी के बाद एनाटॉमिकली एंड फंक्शनल क्लोज होता है, फंक्शनल जस्ट आफ्टर बर्थ को क्लोज होता है, एनाटॉमिकली कब होता है ये बता दिया जाएगा अभी आपको। डक्टस वेनोसस ऐसा ही डक्टस वेनोसस होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होता है, अम्लाइकल वेन होती है वो इनफीरियर वेना केवा, और नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन में बच्चे इनफीरियर वेना केवा होता है, लोअर बॉडी से ब्लड लेके जाता है, कौन से चैम्बर में लेके जाता है, राइट एट्रियम के अंदर लेके जाता है बच्चे। तो यहाँ पे इनफीरियर वेना केवा अम्लाइकल वेन के साथ संगम होता है और लीवर से बाईपास निकलता है, और इसको अपने डॉक्टर वेनोसिस बोलते हैं। यहां पे भी दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, इनका रिमेनेंट क्या बनता है, फंक्शन क्लोज कब होता है डॉक्टर्स वेनोसस है, और एनाटॉमिकली कब होता है, और ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन और बन रहा है फोरामेन ओवल, और फोरामेन ओवल भी आपको अच्छी तरह से पता है बच्चे। इस तरह से ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से अरोटा निकलता आपको अच्छी तरह से पता है बच्चे, और यहां से नॉर्मली पल्मरी आर्टरी निकलती है, पल्मरी आर्टरी निकलती है इस चैम्बर में, लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आता है, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा, और लेफ्ट एट्रियम है जहां पे पल्मरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। यहां पे जो वाल्स होती है इस चैम्बर के बीच में, यहां पे बाइकस्पिड वाल बोलते हैं बच्चे, बाइकस्पिड वाल बोलते हैं जो वाल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्स होती है उसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है, और ये वॉल्स वाला ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कशन पहले कर दिया था। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये सेप्टम होता है जिसको आट्रियल सेप्टम बोलते हैं, इस पे कोई होल नहीं होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर है, बट इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर लंग्स को बाईपास करने के लिए यहाँ पे होल होता है बच्चे, क्या होता है होल होता है, और इस होल को अपने क्या बोलते हैं, इस होल को अपने नॉर्मली बात की जाए फोरामेन ओवल बोला जाता है, फोरामेन ओवल बोला जाता है, और यही ओपनिंग है बच्चे, फोरामेन ओवल ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट बाईपास द लंग्स। लंग्स में उतना ही ब्लड जाता है बच्चे, ये लंग्स है ठीक है, और लंग्स में उतना ही ब्लड जाता है जितना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए असेंडिंग रोटा और ये डिसेंडिंग रोटा आ रहा है, यहाँ से जो पल्मरी आर्टरी होती है वो डिसेंडिंग रोटा के साथ इस तरह से क्या बना लेती है, संगम बना लेती है, जिसको अपने डक्टस आर्टरियोसिस के नाम से जानते हैं बच्चे। तो आइए इनका रिमिनेट नाम क्या रहेगा, डॉक्टर आर्टरियोसिस से जो ओपनिंग आपको पता लग गया, पल्मरी आर्टरी प्लस डिसेंडिंग रोटा के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको डॉक्टर आर्टरियोसिस बोलते हैं। फंक्शन क्लोजर कब होता है, जस्ट आफ्टर बर्थ, बड़ा ही प्यारा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है बच्चे। और एनाटॉमिकली क्लोज कब हो जाता है, आफ्टर 3 मंथ, अपने बोल सकते हैं 1 to 3 मंथ के ऊपर क्लोज हो जाता है, और बाद में जो क्लोज होता है इनका निशान बचता है उस बच्चे, उसको लिगामेंटम आर्ट्रियोसम के नाम से जानते हैं, और तीनों क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम के अंदर खलबली मचा चुके हैं, इसीलिए तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं भी, आप कह रहे हो सर डिलीवरी के बाद डॉक्टर आर्टरियोसिस है फोरामेन ओवल है, या अपने बात करें डक्टस वेनोसिस क्लोज हो जाता है, बट इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ये क्लोज क्यों नहीं होता, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर क्लोज नहीं होने देती। तो यहाँ पे भी रब ने कुछ हार्मोन है वो सिक्रीट करवाए हैं, और यहाँ पे पहला हार्मोन है बच्चे प्रोस्टाग्लैंडिन, पहला हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एंड डेसीडुआ, और डेसीडुआ आपको पता है बच्चे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसको बोलते हैं। मेनली रोल प्ले इन ओपनिंग ऑफ द डक्टर आर्टरियोसिस ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर डक्टर आर्टरियोसिस को ओपन रखने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिक्रीट कौन करता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, प्लेसेंटा एंड डेसीडुआ। इसको क्लोज करवाने के लिए क्या होता है, नॉर्मली आपका लंग्स मतलब बेबी का लंग्स है वो ब्रेडिकाइनिन हार्मोन सिक्रीट करता है,
कई बार डिलीवरी टाइम से पहले हो जाए तो अपने मदर को यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और उस इंजेक्शन का नाम है एंडामेथासोन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस टू क्लोज डॉक्टर आर्टियोसिस है, बिकॉज इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोप्लेसेंटा एंड डेसिडुआ एंड डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड उसके बाद क्या हो जाता है बच्चे, क्लोज हो जाता है डक्टस आर्टियोसिस। तो सर अगर ये इंजेक्शन ना लगाएं तो, पहले तो सर इंजेक्शन होते ही नहीं थे, होते नहीं तो बच्चे उस टाइम जो नॉर्मल डिलीवरी होती तो बच्चे का लंग्स का ब्रेडिकाइनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन है वो डिक्रीज करवा देता है। बट अगर प्री मेच्योर होती है तो उस टाइम आपने देखा होगा, पहले अगर इंजेक्शन नहीं होते तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, न्यू बॉर्न मोर्टिलिटी रेट है वो आपने देखा तो काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कहाँ कहाँ से होता है अगर बात की जाए बच्चे, तो आप यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा मैं बेसिक डाटा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, वैसे इतना डीपली नहीं जाना चाहिए, आज आपका एग्जाम है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है जो मायोमेट्रियम से सिक्रीट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ए एमनियोटिक और प्लेसेंटा से रिलीज होता है बच्चे, और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha जो कि डेसिडुआ से सिक्रीट होता है, और इसके अलावा बच्चे ब्रेडिकाइनिन सिक्रीटेड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर बर्थ एंड रोल प्ले क्लोज ऑफ डॉक्टर आर्टरी। आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई सर, उन बच्चों का क्या होता है जिनकी डिलीवरी घर पे होती है ना, तो उसको क्या सर हम डेक्सामेथासोन देते हैं ना एंडामेथासोन देते हैं या ना बेक्लोमेथासोन देते हैं, तो उनका क्वेयर क्लोज नहीं होता, होता है तो उनका कौन, बच्चे का लंग्स होता है, वो खुद एक हॉर्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ब्रेडिकाइनिन। इसके अलावा बच्चे डक्टस वेनोसिस, इसका ओपनिंग अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के वाके बीच में होता है बच्चे संगम। फंक्शन क्लोज कब होता है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जस्ट आफ्टर बर्थ। और एनाटोमिकली क्लोज कब होता है बच्चे, 7 डे आफ्टर बर्थ, बर्थ के 7 डे बाद डक्टस वेनोसिस है वो क्लोज हो जाता है, और इंट्राउटराइन लाइफ के अंदर जो ओपनिंग होती है सबसे पहले एक नंबर पे जो क्लोज होता है वो यही होता है डक्टर वेनोसिस, और इनका जो रिमेनेंट निशान बचता है क्लोज होने के बाद उसको लिगामेंटम वेनोसम के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है रिमेनेंट ऑफ द डक्टर वेनोसिस क्या बोला जाएगा, लिगामेंटम वेनोसम। इसके अलावा पूछा जाएगा रिमेनेंट ऑफ द डॉक्टर आर्ट्रियोसिस है, तो आपको याद रख लेना बच्चे लिगामेंटम आर्ट्रियोसम, याद रख लोगे, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, अच्छी तरह से याद रख लोगे। इसके अलावा है नेक्स्ट फोरामेन ओवल, फंक्शन क्लोजर कब होता है, फोरामेन ओवल राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको अपने फोरामेन ओवल बोलते हैं बच्चे। थोड़ा सा फास्ट इसलिए आज एग्जाम है, अदरवाइज अपने स्लो चलते हैं, आपको पता है जस्ट आफ्टर बर्थ। मैं थोड़े से टाइम में ज्यादा डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा है तो उनका रिकॉलिंग हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपकी बहुत सारी हेल्प यहाँ से देखने को मिलेगी। फंक्शन क्लोज कब होता है बच्चे, फोरामेन ओवल जस्ट आफ्टर बर्थ। एनाटोमिकल क्लोज 1 साल पे होता है बच्चे, और इसका जो रिमिनेंट बनता है उसको फोसा ओवलिस बोलते हैं। तो डॉक्टर आर्ट्रियोसिस कब होता है बच्चे, एनाटोमिकल क्लोज है आपको याद रखना है 1 से 3 महीने पे सर है। इसके अलावा डॉक्टर स्वेनोसब कब होता है सर, एनाटोमिकली सर 7 डे के ऊपर, यहाँ पे मंथ है बच्चे। और इसके अलावा सर फोरामेन ओवल है, फोरामेन ओवल है वो एनाटोमिकली क्लोज कब होता है सर, 1 साल के ऊपर, याद रख लेना डॉक्टर आर्ट्रियोसिस 1 से 3 मंथ, डक्टस वेनोसम 7 डे पे, और फोरामेन ओवल होता है वो 1 साल पे क्लोज होता है। सबसे लेट भी पूछ सकता है आपसे तो आपको बोलना है फोरामेन ओवल। जो अम्बिलिकल वेन होती है उसका जो निशान पीछे बसता है उसको लिगामेंटम टेरस, और रिमेनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसका जो निशान होता है उसको मीडियन अम्बिलिकल आर्टरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता है मेटरनल सीरम एल्फा फिटोप्रोटीन, कौन कौन से कंडीशन इसमें एलिवेट होता है, यहाँ से कई बार पूछ लेते हैं कि ओपन न्यूरल ट्यूब स्पाइना बाइपीडा के अंदर मेटरनल सीरम एल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज, याद रख लेना। इन फॉलोइंग कंडीशन लाइक ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अच्छी तरह से ऑलरेडी आपको डाटा दिया हुआ पीडिया का मैंने, उसके अंदर पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, RH, आइसोइम्यूनाइजेशन और रिनल एनोमलीज की कंडीशन में मेटरनल सीरम एल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो देखने में मिलता है। यहाँ पे बच्चे स्पाइना बाइफिडा आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, ठीक है बच्चे। स्पाइना बाइफिडा तो अलग अलग टाइप का था, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, सबसे पहले अकल्टा था याद रख लेना, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, टप ऑफ हेयर देखने को मिलता है। टप ऑफ हेयर कौन से के अंदर देखने को मिलता है, जहां पे
थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम में स्पेस आ जाता है, टप ऑफ हेयर, वहां पे इस तरह से हेयर का गुच्छा देखने को मिलता है, टप ऑफ हेयर, और क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा स्पाइना बाइस्पिडा सिस्टिका होता है बच्चे, सिस्टिका, स्पाइना बाइस्टिका सिस्टिका, और इसको देखें दो टाइप का होता है, एक मेनिंगो सील होता है, मेनिंगो सील होता है बच्चे, थोड़े से टाइम में बताने की, मेनिंगो सील में ओनली मेनिजस का प्रोट्यूजन होता है, मेनिजस, मेनिजस का क्या होता है, प्रोट्यूजन होता है, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की साइड मेनिजस प्रोट्यूज हो जाती है, लेकिन इस यहाँ पे कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मेनिंगोसील में नहीं देखने को मिलती। और मेनिजस क्या होती है आपको अच्छे से पता है, मेनिजस दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पाइनल एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और मेनिजस भी आपको तीन टाइप के होते हैं बच्चे, ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड, डीपी अपने जिसको बोल सकते हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड, यहाँ पे तीन टाइप की मेनिजस होती है। और मेनिंगोसील दैट इज अ टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, मेनिजस का प्रोट्यूजन होता है, और इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अपने नॉर्मल प्लेस पे होती है, वर्टिकल कॉलम में होती है। तो मेनिंगोसील के अंदर भी पेशेंट को बोले तो बच्चे को कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक पैरालिसिस जैसी कंडीशन या यूनरी और डेफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ पे स्पाइना बाइपेडा सिस्टिका का जो नेक्स्ट टाइप है उसको माइलो माइलो मेनिंगोसील, मेनिंगोसील, माइलो मेनिंगोसील होता है बच्चे, ये डेंजरस है। ये क्या है, डेंजरस है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखें बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्यूजन होता है, क्या होता है इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्यूजन होगा, ये देख लीजिए, इस तरह से होगा, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटीजन होगा, मेनिजस का प्रोटीजन होता है, और इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड का भी इसके अंदर प्रोटीजन होता है, इस तरह से होता है प्रोटीजन, ऊपर की साइड में सेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बच्चे, ठीक है। इसके अंदर किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटीजन होता है, प्लस में मेनिजस का प्रोटीजन होता है, सीएसएफ लीकेज होने के भी चांस होते हैं। और माइलो मेनिंगोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का स्टूल और यूरिकेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन और यूरिनेशन की प्रॉब्लम वो देखने को मिल सकती है, लोअर बॉडी में भी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। स्पाइना बाइफिडा को किसकी वजह से देखने को मिलता है, फोलिक एसिड की डेफिशियंसी से होने वाली एक न्यूरल ट्यूब है, फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड अपने कब स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, कंसेप्शन से 1 महीने पहले करते हैं और बाद में 3 महीने तक करवाते थे, आजकल थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ का मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपने खिलाते हैं। इसके अलावा बच्चे मेटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, आपको बताया था बच्चे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं जिसको, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं बच्चे इसको, ठीक है। और गेस्टेशन ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज, ठीक है, उसके अंदर ये भी आपको मेटल सिर्फ अल्फा पिटोप्रोटीन का लेवल है डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ये बच्चे कम टाइम में मैं आपको बहुत कुछ से डाटा देने की कोशिश की है, और अपना जो एपिसोड सीरीज है बच्चे ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मेरा आपको यही सुजेशन रहता है एग्जाम के प्रति, आपको एग्जाम से 1 घंटे पहले बुक है वो छोड़ देनी है बच्चे, अगर आपका इवनिंग पारी के अंदर है तो, ये नहीं इवनिंग पारी के अंदर है या मॉर्निंग में, थोड़ा सा ध्यान रखना जिस भी आपका है, तो टाइम पे पहुंचना, आप अपने आप को मोटिवेट रखना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके एग्जाम देना है, किसी भी टाइप का हेजिटेशन नहीं करना है, 2 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो आपको 100% आते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाता है इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, आपको पता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रिया से सिक्रीट होता है, आपसे पूछा जाए फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड कौन सी होती है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता है आयोडीन है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट पीरियोडिक के अंदर करना है। और अगर आपका डाटा 60 से प्लस जा रहा है बच्चे तो आपका सिलेक्शन है, 60 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है सिलेक्शन है, कैटेगरी वाइज मेरिट है वो डाउन आएगी, बट अभी भी मैं आपको मेरिट पे नहीं जाना है, आपको फोकस करना है 100 क्वेश्चन के ऊपर, सबसे पहले आपको 70 क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है, देन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर पे, उसके बाद हरियाणा जीके के ऊपर आपको जाना है बच्चे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और ये जंग आपको जीत के आनी है, और आपकी खुद की जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपको अपना परिवार मानती है, और आपकी अकेडमी है बच्चे, आप तो गवर्नमेंट जॉब लग जाओ लेकिन आपके जो भाई बहन है
उनके लिए भी आप ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हो। फोकस बैच जो चल रहा है, जो आपको क्लास दिख रही है, ये यूट्यूब के ऊपर आपको अभी फ्री प्रोवाइड की जा रही है, बट इसकी जो पीडीएफ है आप लेना चाहते हो, जीनियर नर्सिंग अकेडमी का ऐप है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप विनोद सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7976767854। इसके अलावा जिन बच्चों का एमएनएस का एग्जाम है, बच्चे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एग्जाम है, अर्जुन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर वीडियो एंड पीडीएफ मिलेगी आपको, और प्रैक्टिकल बेस के ऊपर आधारित यहाँ पे ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। इसके अलावा गुरुकुल बैच है बच्चे, जो स्टूडेंट हमारा गुरुकुल बैच लेगा उसको फोक्स बैच और इसके अलावा अर्जुन सीरीज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, प्लस में वीडियो क्लास, प्लस में पीडीएफ क्लास, प्लस में थ्योरी नोट्स यहाँ पे और थ्योरी के ऑल ओवर लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ये भी आपको आज शाम को अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएचओ बैच, सीएचओ का एक बैच आज अपने इवनिंग में अनाउंस करेंगे, और कल से अपने एक सीएचओ का बैच और स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा अदर स्टेट में जहां जहां पे सीएचओ के वैकेंसी आ रही है, और यूट्यूब के माध्यम से मेरे प्यारे जीनियस स्टार और मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे जितने भी भाई बहन है वो जो वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर जरूरतमंद की यहाँ पे हेल्प हो सके। और जो स्टूडेंट फीस देने में असमर्थ है और किसी भी एंगल से भी फीस देने में असमर्थ है और पढ़ना चाहता है, जॉब लगना चाहता है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है बच्चे, और उसको विनोद सर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर कोचिंग है वो अपने यहाँ पे प्रोवाइड करने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और जिन स्टूडेंट को पीडीएफ की हार्ड कॉपी चाहिए, वो भी हमारी अकेडमी की तरफ से आपको घर के ऊपर कोरियर के द्वारा पहुँचाई जा रही है, तो आप वो भी आप अपने नोट्स है वो घर पर आप पहुँचा सकते हो, ठीक है, आप मंगवा सकते हो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।